राम जी की जय टीसीबीटी, जय गुरु तंतारतन गिल जी। ये मेरा केर का खेत है, ये पूरा 7 विंगा का खेत है। सारा दिन एकर हम बोलते हैं, हम एकर पे चलता है। इधर ये ऊपर टेकड़े से फोन लिया है, पूरी केर, कुछ रासायनिक खाद नहीं डाला, गुरु जी ने बताई हुई प्रार्थना और ऊर्जा जल दोनों। देख लो, जय राम जी की, जय गौ माता, जय डीसीबीटी। अंदर जाते लेता हूँ। कुछ खाद नहीं डाला। वो मेरे 3 बगीचे हैं ऐसे केर के, 2 बगीचे में अभी कटिंग शुरू हो गया है और इसकी में थोड़ी देर लगेगी। कुछ खाद बात कुछ नहीं डाला इसके अंदर, दोनों में भी डाला, पपीता गन्ना। इसका रिजल्ट है प्रार्थना ही, गुरु जी बताए ना सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है, वही प्रार्थना का ही कमाल है। चमक बमक, इधर अलग अलग कंपनी वाला इधर डोरा में जब्बा चराते हैं, अंजीसन लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, वो मैं कुछ नहीं लगाया। अब छास रही रसायन का मैं एक स्प्रे करूँगा बारिश के टाइम, वो मच्छर बच्छर और मसी बसी कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैं छास द्रव्य रसायन बनाया है और मीठा रसायन का बना के लुंगर पर स्प्रे करूँगा ऊर्जा जर के साथ, तो मेरा कुछ नहीं खराब होता केरा। जब्बा वाला वो कंपनी वाला, रेवा कंपनी वाला है, देसाई कंपनी वाला है, वो मदर डेयरी वाला है, वो सब कुछ केला ले जाता है, पर जब्बा देख के ले जाता है और केला फाड़ के देखते हैं, अपना केला सही आता है। देखो इसकी लंबाई बहुत बढ़िया केला है, देख लो। हम जब्बा बब्बा का खर्चा नहीं करते, हमें जब्बा नहीं लगाते तो इसका ऐसा डाक निकलता है, देखो पत्ती अड़ जाती है ना, तो ऐसे ही किनारी पर जाती है, फूड कटिंग बोल रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते, खर्चा काई के लिए करने का खर्च, 2 वर्ष खेतर रहता है और 2-1 फसल निकालने के बाद किसान खेत ले लेता है, मेरे पास ज़मीन नहीं है दूसरी। जय राम जी की, जय टीसीबीटी। कल इस खेत में कटिंग करने वाला हूँ, अच्छा लास्ट खेत है मेरा, देखो तो सिरे पे से अंदर जा रहा हूँ, पानी चल रहा है उधर। केला तो बढ़िया है, कल कटिंग 6-7 रुपये में जो भी आएगा वो दे दूँगा। मेरे को हर रोज़ फोन आता है, 6-7 फोन आता है, उनमें सब किसानों को सही बताता हूँ और मेरी जो पहले से कि जैसा कोई ज्ञान किसी संत महापुरुषों ने नहीं दिया, किसी संत पुरुषों महापुरुषों ने नहीं दिया, 5 महाभूतों का, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इसकी मैं तो बन सब कुछ बना है। वो केवट कहते हैं, साधु महाराज कहते हैं, पंच पतुरा पंच इसके शरीर बना है, पर इसे विशेष ज्ञान अलग अलग करके तो अपना गुरु जी ने ही बताया है। बहुत धन्यवाद है गुरु जी को, बहुत धन्यवाद। सिर्फ प्रार्थना और ऊर्जा जल से इतना चमत्कार मिलता है 6-7 महीने में, तो दूसरा कुछ करने के से क्या मिलता है। मैं अग्निहोत्र करता हूँ 2-3 महीना हो गया, 3-1 महीना हो गया, पहले से मैं तगारा में करता रहा हूँ। मेरा एक तगारा था, इसके में गाय का गोबर का और घंसी किसा कर रहा था, और ढोसके वाला बोलता था ना, ढोसके मेर के चौफेर फर के ऐसी घंसी किसा करता हूँ। मेरे पास ढोसका हो बना बांधा हुआ है। जय राम जी की, जय टीसीबीटी, जय गौ माता, जय गुरु तंचाराचंद बेल जी, कोटि कोटि नमन आपको।